Subscribe my channel and press the bell icon to get the gardening videos regularly. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। आज है संडे और ये है अपनी संडे अपडेट की वीडियो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि आपने गार्डन ओवरव्यू की वीडियो बहुत ही दिनों से बनाई नहीं है, तो आज का दिन फ्रेंड्स स्पेशली गार्डन ओवरव्यू होगा। और आज की वीडियो फ्रेंड्स मैं पूरे दिल से बनाने वाला हूँ। मे भी शायद ये वीडियो की लेंथ लंबी हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन आज फ्रेंड्स मैं अपने गार्डन का सारा जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स का अपडेट आपको दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपने गार्डन में ऐसे एक प्लांट का आपको दिखाना चाहता हूँ जो हर साल फ्रेंड्स मेरे यहाँ मॉनसून में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देते हैं, और वो प्लांट है फ्रेंड्स मेरे हाइबिस्कस के प्लांट। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो ऑरेंज कलर का हाइबिस्कस है अभी ये खिलने की तैयारी कर रहा है। दूसरे भी बहुत सारे बर्ड्स इसके ऊपर डेवलप हो चुके हैं, और यहाँ पर भी जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स बर्ड डेवलप हो रहा है। अब ये जो हाइबिस्कस का प्लांट है फ्रेंड्स, ये हाइबिस्कस मुझे हर साल मॉनसून्स में बहुत सारे फ्लावर्स देता है। समर्स में ये फ्लावर्स इतने नहीं देता जितने ये मॉनसून्स में मुझे फ्लावर्स देता है। दूसरा एक हाइबिस्कस का प्लांट फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये डबल हाइब्रिड हाइबिस्कस का प्लांट है फ्रेंड्स। और ये प्लांट भी हर साल मॉनसून की सीजन में ग्रो होता है, विंटर्स में भी मुझे बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देता है। और इसके ऊपर फ्रेंड्स बड़े से डबल हाइब्रिड हाइबिस्कस निकलते हैं ऑरेंज कलर के। ये प्लांट भी फ्रेंड्स मेरे मॉनसून से लेकर अप टू जनवरी फरवरी तक बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देता है। तो ये दो स्पेशल प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग्स इसने देना स्टार्ट कर ली है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक दूसरा प्लांट आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है जत्रोपा के प्लांट। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जत्रोपा के प्लांट से रिलेटेड मुझे क्वेरीज पूछते हैं कि अभी हम इसको प्रून कर सकते हैं। तो जत्रोपा को फ्रेंड्स अभी आप प्रून कर सकते हो। ये प्लांट फ्रेंड्स अभी बहुत ही अच्छी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आप ऊपर ऊपर से इसकी प्रूनिंग करिए, ज़्यादा से नीचे से आप इसकी हार्ड प्रूनिंग मत करिए। ये प्लांट बहुत सारे ब्रांचेस निकलना स्टार्ट कर लेगा और अल्टीमेटली ये आपको बहुत ही सुंदर कुछ ये टाइप के ब्लूम्स भी निकालना स्टार्ट कर लेगा। दूसरा प्लांट फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो है फ्रेंड्स मेरा इग्जोरा का प्लांट। जैसे कि देख रहे हैं इग्जोरा के प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। जैसे कि देख रहे हैं कितने सारे फ्लावरिंग बर्ड्स अभी इसके ऊपर डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे फ्लावर्स खिलना स्टार्ट भी कर लिए हैं। तो इग्जोरा के प्लांट भी मेरे अभी बहुत ही सुंदर ग्रो हो रहे हैं। एक प्रॉब्लम फ्रेंड्स मेरे गार्डन में है, वो है स्पाइडर माइट की, और खास करके ये जो कॉक्सकॉम्ब वाला एरिया जो मैंने डेवलप किया है वहाँ पे पर्टिकुलरली ये स्पाइडर माइट्स बहुत ही खतरनाक तरीके से लग चुके थे। लेकिन ठंडे पानी का स्प्रे करने की वजह से फ्रेंड्स अबाउट 50% जितने स्पाइडर माइट्स कंट्रोल में आ चुके हैं। तो अभी भी फ्रेंड्स मैं प्रोसेस वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके फ्रेंड्स ये स्पाइडर माइट्स ये मेरे प्लांट्स के ऊपर से जा रहे हैं। तो टोटली फ्रेंड्स इंसेक्टिसाइड मैंने यूज़ नहीं किया है, तो वो वीडियो का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि बिना इंसेक्टिसाइड के फ्रेंड्स हम स्पाइडर माइट को कैसे भगा सकते हो, तो वो वीडियो पे जाके आप पूरी वीडियो आराम से देख सकते हो। तो ये तो फ्रेंड्स मेरे ये कॉक्सकॉम्ब के प्लांट की बात हो गई। अब फ्रेंड्स मैं आपको दूसरे प्लांट जो मेरे गार्डन में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग्स दे रहे हैं वो प्लांट मैं आपको अपडेट करूंगा, और वो प्लांट है मधुमालती के पौधे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये मधुमालती के पौधे बहुत ही सुंदर अभी ग्रो कर रहे हैं। इसके ऊपर फ्लावरिंग्स कितने अच्छे खूबसूरत फ्लावरिंग्स लग रहे हैं, और फ्लावरिंग बर्ड्स फ्रेंड्स अभी इसके ऊपर कंटिन्यूस आना स्टार्ट हो चुके हैं। मधुमालती फ्रेंड्स अगर आप छोटे गमले में लगाओगे और उसके अंदर रूट बाउंडिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, तो बाद में ये जो प्लांट है आपको ब्लूम्स नहीं देंगे और ग्रोथ भी ठीक से नहीं करेंगे। इसको फ्रेंड्स आपको रिपोर्टिंग करनी होगी एवरी ईयर। फ्रेंड्स ये प्लांट को आप रिपोर्ट कर लीजिए, इसको बड़ा गमला दे दीजिए, या तो इसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। रूट प्रूनिंग फ्रेंड्स अगर आप इसकी करनी हो तो बाद में आप जनवरी फरवरी के महीने में रूट प्रूनिंग करिए। अभी भी फ्रेंड्स आप इसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करता हूँ जनवरी फरवरी के महीने में। अब ये प्लांट बहुत ही अच्छी अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर लेता है। दूसरा जो प्लांट फ्रेंड्स मेरे यहाँ ब्लूम्स नहीं कर रहा है और जिसको सीरियस रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, वो है हमारे अलमंडा के प्लांट। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स मैंने अलमंडा की बेल को सारा कट कर लिया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरी एक रूट बाउंडिंग की वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट के अंदर रूट बाउंडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो मेरा अलमंडा का प्लांट है फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं इसके अंदर से जो रूट्स है ऊपर से निकल रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है प्लांट के अंदर से रूट्स बाहर निकलना। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं प्लांट के अंदर से रूट्स बाहर निकल रहे हैं, तो मतलब फ्रेंड्स इसको एक बहुत ही जल्दी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। प्लांट को कुछ ज़्यादा अभी असर नहीं होगा, यानी कि प्लांट अभी एकदम से मर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी आने वाली जो सीज़न है वो डोरमेंसी की सीज़न है, यानी कि ये हमारे जो अलमंडा है वो स्टॉप कर लेंगे ग्रोथ। अगर फ्रेंड्स आप जनवरी फरवरी में भी इसकी प्रूनिंग करोगे, रूट प्रूनिंग करोगे, तो भी चल जाएगा। अभी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट ग्रोथ फ्रेंड्स इसकी होगी जनवरी फरवरी के महीने में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मे बी फ्रेंड्स मैं इसको जनवरी या तो फरवरी के महीने में ही इसकी रूट प्रूनिंग करूँ।
दूसरा प्लांट फ्रेंड्स मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ मेरे गार्डन में जो बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग्स देता है, और वो है फ्रेंड्स हमारे पीकॉक फ्लावर। जैसे कि देख रहे हैं पीकॉक फ्लावर के प्लांट बहुत ही सुंदर अभी ग्रोथ करेंगे, और विंटर्स में भी फ्रेंड्स ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देना स्टार्ट कर लेंगे। और पीछे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारे सारे हाइबिस्कस के प्लांट है, देसी हाइबिस्कस है, जो बहुत ही अच्छी ब्लूम्स पे आ रहे हैं। यहाँ पे भी नीचे देखिए बहुत ही सुंदर अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये भी हमारा देसी हाइबिस्कस का प्लांट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे ब्लूम्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। प्लांट की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपके प्लांट के भी ऊपर भी ऐसा हो रहा हो तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप अपने प्लांट के अंदर वाटरिंग देना बंद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो देख रहे हैं ये वाला एक पर्टिकुलर प्लांट आप मेरा देखिए, उसके ऊपर लीव्स सारे गिर चुके हैं और कुछ लीव्स येलो भी हो रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं लीव्स भी कर्ल हो रहे हैं कुछ ये हिसाब से। तो ये जो इंडिकेशन होता है फ्रेंड्स ये इंडिकेशन होता है ओवर वाटरिंग की, आपको पानी देना बंद कर लेना है। प्लांट की सॉइल को ड्राई होने दीजिए, जब प्लांट की सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी उसके बाद पानी देना स्टार्ट कर लिए, और बाद में फ्रेंड्स जैसे ही पानी देना आप स्टार्ट करोगे तब फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर सारे नए लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपके प्लांट ब्लूम्स पे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये मॉनसून की सीजन में आपको अपने प्लांट्स के ऊपर करना स्टार्ट कर लेना है, और खास करके फ्रेंड्स मैं ड्वार्फ कनेर की बात करता हूँ। ये है फ्रेंड्स हमारा ड्वार्फ कनेर का प्लांट, अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग्स नहीं हो रही है। दूसरा प्लांट ये है जैसे कि देख रहे हैं, ये भी मेरा ड्वार्फ कनेर का ही प्लांट है, इसके ऊपर फ्रेंड्स आपको पिंचिंग करना स्टार्ट कर लेना है। पिंचिंग यानी कि जो भी नए नए लीव्स यहाँ से निकल रहे हैं तो उसको फ्रेंड्स हमें बस यहाँ से पिंच कर लेना है कुछ ये हिसाब से, ऊपर ऊपर से फ्रेंड्स हमें पिंच कर लेना है। पिंच करने से फ्रेंड्स इसके ऊपर बहुत सारी न्यू नीचे से ब्रांचेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो हमारा ड्वार्फ कनेर है वो बाद में बहुत ही ज़्यादा बुशी बनना स्टार्ट हो जाएगा, और विंटर सीजन में फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये आपको बहुत सारे फ्लावर्स देगा। ये जो ड्वार्फ कनेर है फ्रेंड्स ये स्पेशली विंटर सीजन में आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देगा, ये इसकी ब्लूम स्टार्ट कर लेगा सितंबर अक्टूबर महीने से लेके फ्रेंड्स आपको सीधा मार्च अप्रैल महीने तक आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकता है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मियों में फ्रेंड्स ये ब्लूम्स देना बंद कर लेगा। तो ड्वार्फ कनेर अगर आपके पास हो तो ये ट्रीटमेंट आप उसके ऊपर कर सकते हो। प्लांट फ्रेंड्स आपके साथ अपडेट करना चाहता हूँ वो है हमारा अपराजिता का प्लांट। जैसे कि देख रहे हैं हमारे अपराजिता के प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स तो आ चुके हैं, अब ये कंप्लीट भी हो रहे हैं। इसके ऊपर फ्रेंड्स व्हाइट कलर और पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये प्लांट भी आपके यहाँ बहुत ही सुंदर ग्रो कर सकता है अभी ये सीजन में। तो विंटर्स में भी फ्रेंड्स ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि विंटर्स में ये बोलते हैं कि विंटर्स में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, स्लो चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्लांट विंटर्स में भी फ्रेंड्स आपके यहाँ बहुत ही अच्छा चल सकता है, लेकिन फ्रेंड्स विंटर्स में आपको इसको बहुत ही अच्छी सनलाइट देनी होगी। अगर आपने इसको सेमी शेड में रखा तो बाद में ये डोरमेंसी में जाएगा। विंटर्स में फ्रेंड्स अगर आप इसको कंटिन्यूस 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दोगे तो बाद में ये प्लांट विंटर्स में भी आपको फ्लावरिंग्स देगा। तो इतना खूबसूरत प्लांट है, अभी से फ्रेंड्स आप इसकी ग्रोथ करना स्टार्ट कर सकते हो, तो विंटर्स में भी आपको इसके ऊपर बहुत सारे ब्लूम्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स ये प्लांट से रिलेटेड मैं ये बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो अपराजिता का प्लांट है फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर बुशी प्लांट अभी है ये मेरा। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स इसको बुशी लुक देने के लिए हमेशा हमें इसके ऊपर ट्रिमिंग करते रहना है, यानी कि अगर आपको जो हाइट मेंटेन करनी है, जो साइज़ आपको मेंटेन करनी है, वो साइज़ के हिसाब से फ्रेंड्स आप इसको ट्रिम करते रहिए। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसके ऊपर ट्रिमिंग करेंगे इसके ऊपर न्यू ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ से ही फ्रेंड्स वो प्लांट आपको बहुत सारे ब्लूम्स निकालना स्टार्ट कर लेगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स एक बुशी लुक फ्रेंड्स आप अपने अपराजिता के प्लांट को दे सकते हो। कोलियस के बारे में तो आप सब जानते हैं, कोलियस की कंडीशन कैसी है। कोलियस के रिलेटेड ऑलरेडी फ्रेंड्स मेरी 2 वीडियो मौजूद है, जिसके अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको फर्टिलाइजर भी बताया है, इसके ग्रोथ रिलेटेड और कटिंग से रिलेटेड भी फ्रेंड्स मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा आगे चलते हैं, और मैं आपको मेरे इंडोर सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि इंडोर सेक्शन में अभी क्या चल रहा है। कल ही फ्रेंड्स मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करके दी है, जिसके अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि हमें अपने जो एग्लोनिमा के प्लांट है, डिफेनबैकिया के प्लांट है और एरेका पाम के प्लांट है, उसको फ्रेंड्स हमें कैसे ट्रिम करना है। अब जहाँ तक ट्रिमिंग की बात आती है फ्रेंड्स, मैंने अपने जो क्रोटॉन्स है उसको मैंने ट्रिम कर लिया है। जैसे कि देख रहे हैं मैंने सारे क्रोटॉन्स को ट्रिम कर लिया है। ये हमारा एरेंथेपम का प्लांट है, उसको भी फ्रेंड्स मैंने ट्रिम कर लिया है। ट्रिम करने का रीज़न एक ही है कि ताकि जो पीछे वाले जो जितने भी हैंगिंग बास्केट्स हैं वो ईजिली फ्रेंड्स हमें दिख सके। ये प्लांट इतने बड़े हो चुके थे कि हमारे जो पीछे वाले हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स हैं वो ठीक तरीके से दिख नहीं रहे थे, तो अभी थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारे सिंगोनियम के प्लांट है, कितने बुशी बन चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लग रहे हैं। ये हमारा मनी प्लांट है, मनी प्लांट को फ्रेंड्स हमेशा मैं कुछ ये हिसाब से बुशी लुक ही मैं देना चाहता हूँ। नीचे से फ्रेंड्स मैं इसकी बेल ज़्यादा नहीं लटकने देता। और ये फ्रेंड्स जो देख रहे हैं फ्रेंड्स
ऑल्टन एंट्रा के प्लांट की कटिंग्स फ्रेंड्स मैंने सारी लगाई थी और सक्सेसफुली अभी चल चुकी है। यहाँ पे भी देखिए सारी कटिंग्स अभी सक्सेसफुली चल चुकी है। ये भी हमारे ऑल्टन एंट्रा के प्लांट है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये हैंगिंग बास्केट में। तो ये जो हैंगिंग बास्केट है अभी क्लियरली विजिबल हो रही है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं हमारे जो एरेलिया के प्लांट है, जो वेरीगेटेड एरेलिया है, इसके ऊपर भी फ्रेंड्स मैंने प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग करने के बाद ये प्लांट ने सारी नई ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर लिया है। जैसे कि देख रहे हैं मैंने प्लांट को यहाँ से ट्रिम किया था, ये जो देख रहे हैं यहाँ से मैंने प्लांट को ट्रिम किया था और प्लांट ने बहुत सारी न्यू ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर ली है। ये भी देखिए तो बहुत सारे जो मेरे एरेलिया है वो बहुत ही सुंदर अभी हो रहे हैं। जो एरे का पाम है फ्रेंड्स उसके ऊपर भी कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हमें इसको ये प्लांट को हमें प्रून करना है। डिफेंड बैकिया के बारे में भी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था। ये जितने भी डिफेंड बैकिया लगे हैं फ्रेंड्स ये सारे डिफेंड बैकिया मैंने कटिंग्स के थ्रू ग्रो किए हैं, यानी कि मेरे पास दो डिफेंड बैकिया थे बड़े वाले, उसमें से फ्रेंड्स मैंने तीन प्लांट तो नीचे मैंने घर पर लगाया है और बाकी के तीन प्लांट जैसे कि देख रहे ये तीन प्लांट मैंने यहाँ पर लगाए हैं। तो चार प्लांट है जैसे कि ये जो देख रहे हैं ये भी मेरा एक डिफेंड बैकिया का प्लांट है, तो मतलब चार प्लांट फ्रेंड्स मैंने डिफेंड बैकिया के लगाए हैं। तो दो प्लांट जो बड़े बड़े डिफेंड बैकिया के थे उसके अंदर से फ्रेंड्स मैंने टोटल 6 से 7 प्लांट बना दिए हैं और सारे प्लांट्स अभी सक्सेसफुली मेरी चल रही है, एक भी कटिंग मेरी डिफेंड बैकिया की फेल नहीं हुई। तो डिफेंड बैकिया की कटिंग आप इजीली लगा सकते हो। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा डबल चांदनी का प्लांट है और जैसे कि देख रहे हो बहुत ही सुंदर अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग्स हो रही है। ये प्लांट लाके भी मुझे ऑलमोस्ट 45 से 60 दिन हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर अभी ये प्लांट की ग्रोथ हो रही है। अलमंडा जैसे कि देख रहे हैं हर बार की तरह अलमंडा हमारे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और मॉर्निंग ग्लोरी की जहाँ तक मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, मॉर्निंग ग्लोरी अभी मानसून की सीज़न में मेरे यहाँ ठीक तरीके से ग्रो नहीं होते, यानी कि इसके ऊपर ग्रोथ तो होती रहती है लेकिन फ्लावरिंग्स अभी ये प्लांट ठीक तरीके से नहीं देंगे। तो अगर फ्रेंड्स अगर आप इसको ट्रिम करना चाहते हो तो अभी ट्रिम भी कर सकते हो मॉर्निंग ग्लोरी को, ताकि फिर से ये अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर सकेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको थोड़े प्लांट्स में अपडेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको मॉस रोज दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं हमारे मॉस रोज के ऊपर बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स अभी लगना स्टार्ट हो चुके हैं। मॉस रोज के ऊपर एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि देख रहे हैं ये मेरे मॉस रोज के ऊपर इंसेक्ट्स लग गए थे, यानी कि मेलीबग्स लग गए थे। तो मेलीबग्स के लिए फ्रेंड्स मैंने एमिडाक्लोप्रिट का स्प्रे किया और अल्टीमेटली ये जो मेरा प्लांट है बहुत ही सुंदर अभी फिर से फ्लावरिंग्स पे आ चुका है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमारे जो मॉस रोज जो बीच में ख़त्म हो चुके थे इसके ऊपर फिर से बहुत ही अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारे सारे रेन लिलीज हैं। बीच में फ्रेंड्स मैंने आपको अपडेट किया था कि रेन लिलीज के ऊपर कैटरपिलर्स लग गए थे जिसकी वजह से ये सारे प्लांट्स मेरे ख़त्म हो चुके थे। तो बाद में मैंने ये प्लांट को पूरा नीचे से ट्रिम कर लिया, पूरे लीव्स इसके कट कर लिए, जितने भी कैटरपिलर्स थे उसको उठा के फ्रेंड्स मैंने कॉम्पोस्ट बिन में डाल दिया जहाँ पर वो आराम से पत्ते वगैरह खा सकते हैं और बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं ये सारे मेरे रेन लिलीज ने फिर से बहुत ही अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा हाइब्रिड वेराइटी का मॉस रोज है जो अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये भी हमारा हाइब्रिड वेराइटी है, अभी उतनी फ्लावरिंग्स नहीं होती है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश है ऑलमोस्ट अभी 2 दिन से रुकी हुई है। उससे पहले फ्रेंड्स हमारे यहाँ बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो इसीलिए मॉस रोज बारिश की सीज़न में थोड़े से स्लो हो जाते हैं, उनको गर्मी चाहिए। और एक तीसरा प्लांट फ्रेंड्स मैं आपको हाइबिस्कस का दिखाना चाहता हूँ जो मानसून की सीज़न में बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देता है, और वो है ये जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स एक बड़ा सा इसके ऊपर फ्लावर डेवलप हुआ है। तो ये जो हाइब्रिड वेराइटी के हाइबिस्कस है फ्रेंड्स ये मानसून की सीज़न से लेके आपको विंटर सीज़न तक बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकता है। एडेनियम्स भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं एडेनियम्स के ऊपर अभी फ्लावर्स सारे कंप्लीट हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ फ्लावरिंग बर्ड्स इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं। एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि जब भी इसके ऊपर फ्लावर्स ख़त्म हो जाए तब क्या हम ये प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो प्रूनिंग तो कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स हमें अगर आप प्रूनिंग नहीं भी करोगे तो भी ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकता है। अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हो तो ये जो सॉफ्ट वुड ब्रांचेस है उसको आप नीचे से कट कर सकते हो और वहाँ पे फ्रेंड्स आपको फंगीसाइड का एप्लीकेशन करना होगा क्योंकि ये जो प्लांट है ये बहुत ही जल्दी ओपन रहेगा तो बाद में फंगस इसके ऊपर लग सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर लेना है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा प्लूमेरिया पुदीका के फ्लावर्स है, कितने खूबसूरत फ्लावर्स इसके ऊपर हो रहे हैं। हर साल फ्रेंड्स ये जो प्लांट है मॉनसून की सीज़न में बहुत ही अच्छी ब्लूम्स निकालता है, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। और फाइनली फ्रेंड्स हम अपने रोजेज़ देख लेते और बहुत ही खुशी की बात है फ्रेंड्स, रोजेज बहुत ही अच्छी अभी ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग्स हो रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये जो मेरे रोजेस की साइज़ देखिए कितनी अच्छी अभी निकल के आ रही है। यही रोजेस फ्रेंड्स हमारे बीच में बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स दे रहा था, अभी ये जो रोज़ है ये बहुत ही सुंदर अभी फ्लावर्स दे रहा है। एक ही प्लांट पे कितने सारे अभी फ्लावर्स लगे हुए हैं। मैं आपको दूसरे फ्रेंड्स मेरे मिनिएचर रोज़ दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर ये मिनिएचर रोज़ हमारे ग्रोथ कर रहे हैं अभी।
वैसे फ्रेंड्स ये जो फ्लावर्स है ये अबाउट 10% जितने फ्लावर्स निकले हैं विंटर्स में, अबाउट इससे डबल ट्रिबल फ्लावर्स फ्रेंड्स ये जो हमारे रोजेस प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत बंच में ये हमारे मिनिएचर फ्लावर्स अभी डेवलप हो रहे हैं। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स अभी रोजेस के ऊपर भी ब्लूम्स आना स्टार्ट हो चुकी है, तो रोजेस को भी आप कंसिडर कर सकते हो। और फाइनली फ्रेंड्स हमारे जो अलमंडा है, अलमंडा भी बहुत ही सुंदर अभी ग्रो हो रहे हैं। तो जितने भी फ्लावर्स फ्रेंड्स मैंने आपको बताया वो बहुत ही सुंदर अभी हो रहे हैं और ये अभी से ही फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लेंगे ये सारे प्लांट्स। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक अभी ऐसा प्लांट बनने वाला हूँ जो विंटर सीजन में आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो प्लांट की तैयारी आपको अभी से करनी होगी। और वो प्लांट है फ्रेंड्स हमारे क्रिसेंथेमम्स। क्रिसेंथेमम्स के ऊपर फ्रेंड्स अगर आपके पास लास्ट ईयर का क्रिसेंथेमम मौजूद हो तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपने क्रिसेंथेमम के ऊपर पिंचिंग कर लीजिए, यानी कि ऊपर की जो ये जो हिस्सा रहता है वो हिस्से को फ्रेंड्स हमें पिंच कर लेना है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैंने पिंचिंग की है। पिंचिंग करने के बाद फ्रेंड्स धीरे धीरे ये प्लांट अपनी बहुत सारी न्यू शूट्स निकालना स्टार्ट कर लेगा और बुशी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये फॉलो करना है कि ये प्लांट को हमें बुशी करना है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स ये प्लांट की कटिंग्स अभी ये मानसून की सीजन में आप लगा सकते हो। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स मैंने ये क्रिसेंथेमम की कटिंग्स भी लगा दी है, ये 1, 2 और ये 3 और ये 4, 5 कटिंग्स फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लगाई है। और ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैंने इसकी कटिंग्स लगाई है। ये जो देख रहे हैं ये भी इसकी कटिंग्स फ्रेंड्स मैंने अभी रिसेंटली लगाई है। तो इसकी कटिंग्स आप लगाते रहिए, जितनी ज़्यादा फ्रेंड्स आप इसकी कटिंग्स लगाओगे उतने ही ये प्लांट आपके यहाँ मल्टीप्लाई होते रहेंगे और ईजिली फ्रेंड्स अभी ये मानसून के सीजन में ये प्लांट कटिंग से लग जाएंगे। फर्टिलाइजर में फ्रेंड्स अभी आप इसको सिर्फ DAP फर्टिलाइजर दीजिए। DAP फर्टिलाइजर में आप हर 15 दिन में एक बार फ्रेंड्स 5 से 6 दाने DAP के इसकी सॉइल के अंदर डाल दीजिए। अगर आपके पास 10 से 12 इंच का गमला हो तो 5 दाने जितना DAP फ्रेंड्स हर 15 दिन में एक बार डाल दीजिए। और स्प्रे में फ्रेंड्स आप DAP फर्टिलाइजर का भी स्प्रे कर सकते हो। DAP फर्टिलाइजर का स्प्रे आपको हर 15 दिन में एक बार इसके ऊपर कर लेना है। जहाँ तक कटिंग्स की बात है फ्रेंड्स, तो कटिंग्स के अंदर हमें DAP फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करना है। कटिंग्स के ऊपर आप फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहते हो तो तभी करिए जब ये कटिंग्स आपकी सक्सेसफुली ग्रो हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए। समझ लीजिए एवरेज फ्रेंड्स कटिंग्स को लगाने के ठीक 30 दिन के बाद आप अपने कटिंग्स के ऊपर स्प्रे फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हो। दानेदार सॉइल के अंदर अगर डायरेक्ट फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे तो कटिंग्स के जो फाइबर रूट्स होंगे वो डेवलप नहीं होंगे, मर जाएंगे और फिर अल्टीमेटली आपकी कटिंग्स डेवलप नहीं हो पाएगी। तो कटिंग्स के लिए आप DAP फर्टिलाइजर का स्प्रे कर सकते हो और DAP फर्टिलाइजर का स्प्रे फ्रेंड्स आप अपने क्रिसेंथेमम के प्लांट्स के ऊपर भी कर सकते हो ताकि इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो सके और ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी बनना स्टार्ट हो जाए। बाद में दूसरे आगे जो फर्टिलाइजर हमें अप्लाई करने हैं वो सारे विंटर्स में करने हैं जब इसके ऊपर ब्लूम्स आना स्टार्ट हो जाए। और ये प्लांट की जो लोकेशन है फ्रेंड्स हमें रखनी है वो थोड़ी सी सेमी शेड रखनी है, यानी कि अगर आपके यहाँ बहुत ही तेज़ धूप आ रही हो तो तेज़ धूप से अभी ये प्लांट को बचाइए। ये प्लांट को थोड़ा सा सेमी शेड दीजिए, सनलाइट तो इसको मिलनी चाहिए लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ और गर्म सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए और बाद में ये प्लांट आपके यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकेंगे। तो ये प्लांट के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा ओवरव्यू फ्रेंड्स मैंने आपके मेरे गार्डन का आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स टॉपिक से रिलेटेड या तो प्लांट से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो और मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो हो सके और मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।